हेलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी यू पी सी चैनल पर दस हज़ार करंट अफेयर्स क्लास ओके फॉर योर एग्जामिनेशन 23 एंड 24 आल्सो ठीक है सो टुडे विल बी टेकिंग द टॉपिक्स फ्रॉम योर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो करंट अफेयर्स रहा है ओके पिछले कुछ सालों में वो हम देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है ऑल राइट सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू शेयर द क्लास गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी एंड लाइक द क्लास सब्सक्राइब द चैनल राइट तो जो आई आर का दिन है आई आर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से आई आर से साल दर साल जो है क्वेश्चन का जो नंबर है दैट इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज नो प्रपोर्शनेट वेटेज इन द एग्जामिनेशन जैसे कि मतलब प्रलिम्स में भी काफी मार्ग काफी आई आर पूछ जाता है मेन्स में और पूछ जाता है ये और इंटरव्यू में बहुत पूछ जाता है ये ठीक है तो आई आर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से आपको होनी चाहिए इफ़ यू आर एमिंग टू यू नो गेट अ गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन सो प्रिलिम्स ही निकालना है तो बात अलग है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन सिक्योर प्रम्स की क्लास में आप इस क्लास के बाद जुड़ सकते हो तीन बजे मंडे टू फ्राइडे वेर प्रैक्टिस द क्वेश्चन ओके टूडे विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन येडमी की ऐप पे होती है क्लास ये भी एक फ्री क्लास है ठीक है बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए सी डी यू पी सी ऑफिशियल ठीक है आइकोनिक प्लस सब्सक्रिप्शन से भी आप लोग जुड़ सकते हो वन स्टॉप तैयारी के लिए कंप्लीट तैयारी के लिए हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ओके सो यू कैन टेक दब्सक्रिप्शन फॉर दैट ठीक है क्यों लेना चाहिए टॉप एजुकेटर्स यू गेट ऑप्शन टू यू नो लाइक लर्न फ्रॉम एनी एजुकेटर ओके वू मैच योर फ्रीकुन्सी फ्लेक्सीबिलिटी रहती है पूरी आपको अनलिमिटेड व्यूज आप देख सकते हो यू नो एक्सवाइजेड रिजल्ट ओके सो दैट इज अ थिंग जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें डू यूज द कोड्ड यूपीएससी इससे आपको तुरंत जो है डिस्काउंट मिलेगा ओके okay, और फायदे हैं इसके विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द्लास ठीक है सो आई आर के टॉपिक विल बी टेकिंग टूडे ओके ओनली स्ट्रिकली टॉपिक्स फ्रॉम आई आर एज यू नो एम नॉट सो विल कीप द्लास लिमिटेड ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड शोरिंग ओके सो दिस टॉपिक वॉज देअर सो लेट्स yes फूल बाबू यस फ्रेंड शोरिंग ग्रीन heart गुड आफ्टरनून गौरी ओके सो so, फ्रेंड से गई क्या मत समझते हैं आप ठीक है तो इस यूएस ने ये वर्ड यूज किया यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ठीक है थीके? आगे जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं ओके उन्होंने ये बात शेयर करी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया को भी यूएसए को जो है फ्रेंड शोरिंग कैटेगरी में लेना चाहिए ओके तो फ्रेंड शोरिंग गई इस कैटेगरी क्या होती है और फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली ठीक है चॉइस जैसा ही हमने देखा लास्ट ईयर देर वर मैनी लास्ट ईयर या the got, you know, uh, उससे लास्ट ईयर जो कोविड था ओके आपके देन द वॉर है लॉकडाउन सप्लाई चेन गोड नो फ्रैगमेंटेड उससे कई सारी इकोनॉमी को जो है कई सारी दिक्कत फेस करनी पड़ी हर देश की इकोनॉमी को ठीक है तो यू एस ए ने गई जहाँ पर एक बोला कि यू नो वी शुड है इकोनॉमिक को सो so, यहाँ पर बात करी ओके okay, यूएस और चाइना ट्रेड वॉर्स की वजह से जिनकी वजह से ग्लोबल सप्लाई पर असर आया कोविड पैंडमिक द रशियन इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन ठीक है तो ऐसे में क्या होता है कहीं सप्लाई चेन्ज होती है क्रिटिकल सप्लाई चेन जैसे को बताए कुछ चीज़ें सिर्फ चाइना में ही मिलती okay, है जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स ओके कुछ मिनरल्स हैं जो सिर्फ रशिया में ही मिलते हैं ओके फूड में जो है यूक्रेन का बहुत बड़ा रोल है तो सप्लाई चेन्स यहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेड हो जाती है फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इवन इन एनी सिनारियो The supply chains should not get hampered, all right. So USA चाह रहा है इंडिया को इस ग्रुप में लेने के लिए okay ताकि आगे फ्यूचर में जाकर जो है कोई भी इसी तरह की जो है सिचुएशन आए तो हमारी सप्लाई चेन्स पे मैन्युफैक्चरिंग सॉरी हमारी सप्लाई चेन्स पे जो है इफेक्ट उसका ना आए सो इट इज ट्राइंग टू गैदर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विथ शेयर्ड वैल्यूज तो शेयर्ड वैल्यू है यूएस और हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम यूएसए जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की ठीक है और एनकरेज करें अपनी कंपनीज को कि इन्हीं कंट्रीज के अंदर ही वो कहीं ना कहीं अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए ताकि किसी एडवर्स कंट्री पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हमारी सप्लाई चेन जो है सिक्योर रहे पर्टिकुलरली ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक सेमी ग्रीन एनर्जी टेलीकोम्युनिकेशन मिनरल्स ठीक है तो इसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग ठीक है ओके okay. तो यूएसए के जो मिनिस्टर उन्होंने बोला पिस्ट फॉर फ्रेंड शोरिंग फॉर इंडिया कि इंडिया को भी जो है इस ग्रुप में लेना है सो आई होप यू गॉट मीनिंग ऑफ द फ्रंट शोरिंग ठीक है अदर रिलेटेड टर्म्स मतलब ऑफ शोरिंग ठीक है तो वह जो ऑफ शोरिंग का मतलब ये होता है कि जब कंपनी जो है यू नो दे शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अक्रॉस द ग्लोब ओके टू सेव द मनी ओके पर्टिकुलरली ऑन लेबर और ऑन द अदर थिंग्स यू कैन से इसे हम ऑफ शोरिंग कहते हैं जैसे कि अभी आपने देखा हो बहुत सारी कंपनी है जो है चाइना से जो है इंडिया शिफ्ट हो रही हैं तो इसका एक कारण तो ये है कि जो चाइना के खिलाफ नेगेटिविटी बढ़ गई है लास्ट कुछ ईयर्स में वर्ल्ड में लेकिन ये गई काम इससे पहले से हो रहा था कोविड के काम कोविड से पहले से ही हो रहा था बिकॉज चाइना के अंदर जो है लेबर कॉस्ट बढ़ गई वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है बढ़ रही थी तो उसके उसके अल्टरनेटिव इंडिया में जो है कंपनीज ने देखा इंडिया एंड द कंपनी स्टार्टिंग ऑफ शोरिंग ठीक है तो ऑफ शोरिंग कंपनी तब करती है जब उसको दूसरे देश में जाने से ज्यादा फायदा हो ठीक है री का मतलब होता है गई ब्रिंगिंग बैक द प्रोडक्शन टू इंडिया ओके और टू द कंट्री होम कंट्री ठीक है रीशोरिंग मतलब आपका जितनी भी मैनुफैक्चरिंग कैपेबलिटीज़ हैं जैसे एप्पल की कई स्क्रीन कहाँ कोरिया में बन रही है ओके okay, चिप जो है आपके ताइवान में बन रही है बैटरी जो है चाइना में बन रही है इन सबको दोबारा यू नो इकट्ठा करके अपने देश में ही बनाए इसे हम कहते हैं रीशोरिंग ठीक है सो so, तीन वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड शोरिंग जिसका कॉन्टेक्स्ट इंडिया और यूएसए से रिलेटेड है ऑफ शोरिंग एंड रीशोरिंग ठीक है So I hope it is clear. है। आगे बढ़ते हैं ओके चाइना इंडिया ओशन रीजनल फॉरम सोट इज अगेन आल्ट फॉर इंडिया हेयर ओके प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग इट कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन इट इज फॉर द स्पेशल सिग्निफिकेंस ओके मे बी वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट जान पूछ के हमको जो है इसका पार्ट नहीं बनाया गया और चाइना का सारा जो है यहाँ पर बी ब्रेन चाइल्ड है ठीक है सो आई होप एवरी टिल हेयर आफ्टरनून अविनाश ठीक है तो चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम ठीक है इंडियन ओशन, तो बच्चों नाम यहाँ पे इसने भले ही इंडियन ओशन का लिखा है बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है ठीक है जान पूछी गई इंडिया को चाइना ने इसका पार्ट नहीं बनाया ओके ये एक फोरम बेसिकली चाइना ने कंडक्ट किया ओके चाइना कन्वीन द फर्स्ट चाइना इंडियन ओशन इंडिया नहीं गई चाइना इंडियन भारतीय जो महासागर है इंडियन ओशन रीजन फोरम ब्रिंगिंग टूगेदर नाइनटीन कंट्रीज जो इंडियन ओशन में हम भी एक कंट्री हैं हम सबसे शायद बड़ा कंट्री हैं इंडियन ओशन में नाम ही हमारे ऊपर रखा है उसका ठीक है तो इस इलाके से गई लिटरल स्टेट से अलग कंट्रीज को चाइना ने जो है इनवाइट किया लेकिन इंडिया को इनवाइट नहीं किया ठीक है दैट इज द चाइना इंडियन ओशन फोरम इट क्यों इन्वाइट किया लोगों को इट प्रपोज टू अ मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन चाइना एंड कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन ठीक है इंडिया गाइस खुद ही जो है मरीन यू नो इश्यूज को लेकर ब्लू इकोनॉमी को लेकर पायरेसी को लेकर ओके डिजास्टर को लेकर ओके okay, इन सब चीजों को लेकर खुद ही इंडिया तक एक्टिव रहता है इंडिया के खुद कई इनिशिएटिव्स हैं इंडिया को एक्सपर्टीज है इंडिया रीजनल सुपर पावर है लेकिन चाइना ने यहाँ पे जान पूछ जो है इंडिया को नहीं बुलाया इस मीटिंग के अंदर और जो है खुद ही इन नाइनटीन छोटे छोटे कंट्रीज को लेकर जो है डिजास्टर के लिए ओके okay, उसके मिटिगेशन के लिए जो है बातें उसने वहां पे करी ठीक है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपोशन एजेंसी विच इज बीजिंग्स न्यू डेवलपमेंट एड एजेंसीज ठीक है तो ये बीजिंग की जो है एड एजेंसी है नई ओके okay, दुनिया में जो एड का तो ख्याल रखेगी तो इस एजेंसी ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया ठीक है सो दैट इज द थिंग सो प्रॉब्लम यह है नहीं है कि चाइना ने ऐसा किया अच्छी बात है चाइना कुछ भलाई भलाई का काम भी कर रहा है यहाँ पर बट इंडिया को जान पूछ कर उसने इस एरिया से सेलेक्टिवली आउटकास्ट कर दिया ये प्रॉब्लम वाली बात है और इसलिए ये चीज जो है और अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूपीएस सी सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि क्या इंडिया भी इसका पार्ट है था ओके okay, या इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया जाकर तो हमें इसका बुलाया ही नहीं गया तो हम इसमें कैसे बाट ले सकते हैं ठीक है सो दैट इज इट आगे बढ़ते हैं करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ठीक है शायद क्या इतना इंपॉर्टेंट ना हो टॉपिक बट बाकी जो चीजें आपको बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है इकोनॉमी का टॉपिक है इकोनॉमी और आई का टॉपिक है मिक्स ठीक है शोईश करेंसी ट्रेड वॉर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा वैसे जो वॉर्स होते हैं वो आपने बहुत सुनेंगे वर्ल्ड वॉर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है बट करेंसी वॉर क्या आपने सुना है करेंसी वॉर क्या होता है ठीक है ओके सो करेंसी वॉर में कहीं क्या होता है जो कंट्रीज होते हैं वो जान पूछ के अपनी करेंसी को गिराते हैं ठीक है गिराना मतलब उनकी वैल्यू को कम करते हैं एज कंपेयर टू डॉलर ठीक है मतलब जो डॉलर एक डॉलर में ज्यादा करेंसी खरीदी जा सके ठीक है जैसे आज मान लो एट्टी रुपीज में डॉलर आ रहा है भारत के करेंसी में तो हम क्या करेंगे यहां पर गिराना है हमें रुपए को हम जो है हंड्रेड रुपीज में कोशिश करेंगे डॉलर आए ठीक है ऐसा कंट्रीज भी करते हैं और अगर ऐसा कोई एक कंट्री करता है तो उसको देखा देखी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं ठीक है वो आसपास वाले कंट्री वो भी ऐसा करने लगते हैं इसे कहते हैं करेंसी वॉर्स ठीक है इसे कहते हैं डीवैलुएशन आर्टिफिशियल सवाल भी आ चुका है पहले प्रॉब्लम्स में इसे कहते हैं आर्टिफिशियल डीवैल्यूएशन अब सवाल ये है यहाँ पर कि ऐसा कंट्रीज करते क्यों हैं खुद ही अपनी करेंसी को क्यों क्यों गिराते हैं वो ठीक है जैसा अक्सर वही कंट्रीज करते हैं जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज होती हैं यानी कि वो इकोनॉमीज जो एक्सपोर्ट के दम पर यू you नो know, चल रही हैं या आगे बढ़ी हैं जैसे कि चाइना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओके ताकि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो हैं ठीक है मतलब जिन इकोनॉमीज का एक्सपोर्ट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है ठीक है अब गई एक्सपोर्ट कैसे आप बढ़ा सकते हो अपने देश से ठीक है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको चीजों को अच्छा बनाना पड़ेगा सस्ता बनाना पड़ेगा बाकी देशों से ठीक है प्लस गई अगर आपकी करेंसी भी अगर गिरी हुई है तो लोग आपसे लेना ज्यादा पसंद ओके okay, प्रेफर करेंगे उस चीज को उस सामान को पर्टिकुलरली कैसे ओके मान लीजिए मैं एक ओके okay, बायर हूं मुझे सामान खरीदना है इंडिया से भी खरीद सकता हूँ मैं सामान वो चाइना से भी खरीद सकता हूँ मैं सामान मेरे पास एक डॉलर है ठीक है मैं देखूंगा कि एक डॉलर मेरा जो है वो पचास रुपए के बराबर है चाइना के अंदर ठीक है मेरे एक डॉलर की जो कीमत है वो लगभग पचास रुपए के बराबर है चाइना के अंदर और वही मेरा एक डॉलर की कीमत जो है लगभग सौ रुपए के बराबर है इंडिया के अंदर ठीक है तो मैं वो सामान जो है इंडिया से खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि मेरा एक डॉलर जो है ज्यादा पावरफुल है इंडिया के अंदर समझ रहे हो आप ठीक है इससे क्या होगा एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं ठीक है आपकी करेंसी गिरी हुई है पिटी हुई है मतलब दूसरे देश आपके देश में आकर उसी डॉलर में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं तो ऐसा कंट्रीज जान पूछे करते हैं अब गई जी एनेथिकल तो है ही साथ साथ में ये एक सही प्रैक्टिस भी नहीं है ठीक है इकोनॉमिकली तो देखा जाए इसको या यू नो इट लीड्स टू मैन्यू इशूज बट मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन टू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड दीज आर कॉल्ड योर करेंसी वॉर्स और यू नो सो so, USA एस गई बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो इसको मॉनिटर करता है कि कौन से कंट्रीज ऐसे करते हैं तो यू ने अब तक इंडिया को भी डाल रखा था इस लिस्ट के अंदर जहां पर जो है यू का इल्ज़ाम था इंडिया के कि इंडिया भी जो है अपनी करेंसी को जानबूझ कर डी कर रहा है या डी वैल्यू करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ सकें और इंडिया एक यू नो एक्सपोर्ट्स अपना बी को जो है बेटर पोजिशन में दिखा सकें लेकिन अच्छी बात यह कि हमको इस लिस्ट से हटा दिया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में किसकी लिस्ट है यूएस की लिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की लिस्ट है हमको हटा दिया गया है अच्छी बात है गुड साइन तो इस किस आधार पर यूएसए डालता है इस लिस्ट के अंदर ठीक है तो तीन जो क्राइटेरिया है इसके वन टू एंड थ्री अगर इन तीन में से कोई भी दो क्राइटेरिया कोई कंट्री पूरा करता है तो वो उस लिस्ट में आ जाता है ठीक है पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए तो इंडिया आपको है कि भारी ट्रेड सरप्लस है यूएसए से ठीक है यानी कि यूएसए उस कंट्री से ज्यादा सामान लेगा ज्यादा जो है परचेसिंग करेगा वो कंट्री उस यूएसए से ज्यादा सामान नहीं लेगा इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस हो गया यूएसए से मतलब यूएसए का उस कंट्री से ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए बड़ी मात्रा में ठीक है अब मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इक्वल टू एटलीस्ट टू परसेंट जी ओवर द ट मंथ पीरियड ठीक है लगभग ये जो यू नो सरप्लस है जो कंट्री एंजॉय कर रहा है यानी कि यूएसए को ज्यादा सामान बेच रहा है वो ले कम रहा है वो लगभग दो परसेंट होना चाहिए जीडीपी का बारह महीने तक ठीक है परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन ठीक है मतलब एक कंट्री कंटिन्यूसली यू नो इंटरवीन कर रहा है और अपनी करेंसी के जो है वैल्यू को यू नो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो इन तीन में से अगर कोई भी दो पैमानों पर पे कंट्री खड़ा उतरता है तो यूएसए उसको जो है अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में रख देता है इंडिया को रखा हुआ था हटा दी अच्छी बात है ठीक है पूछा जा सकता है ये भी और बाकी मैंने आपको चीज़ें बता भी दी एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज़ आस्क ओके एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज़ आस्क देन आई टेल यू समथिंग अबाउट आसियन कंट्रीज ओके ठीक है क्वेश्चन क्लियर एनी प्रॉब्लम प्लीज आस इट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पूछा जा चुका है बहुत पहले और यहाँ पर ये नवंबर की न्यूज है मेरे हिसाब से लास्ट ईयर यानी कि अभी चार पाँच महीने पहले की चार पाँच महीने पहले गया आपके क्या चल रहा है अप्रैल हाँ तो लगभग वही समय जब आपका पेपर जो है बन रहा होगा तो सवाल आ सकता है यहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कंसेप्ट भी समझ में आ गया आपको आई होप कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया नेक्स्ट चलते हैं आसियान के बारे में ठीक है तो थ आसियान का जो है सुमिट हुआ कंबोडिया के अंदर ओके नाइनटीन इंडिया आसियान का सुमिट हुआ ओके okay, कंबोडिया के अंदर ओके नाइनटीन अब आसियान और इंडिया का सुमिट हुआ कंबोडिया के अंदर उससे पहले मैं आपको थोड़ा आसियान कंट्रीज के बारे में बता देता हूं ओके सो आसियान कंट्रीज जो है गई काफी फेमस है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैप ओके वेन यू ओके लर्न आई आर जोग्राफी एनवायरमेंट यू ऑलवेज शुड रेफर द मैप्स आसियान कंट्रीज ये बच्चों दस कंट्रीज का एक ग्रुप है ठीक है ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं सारे के सारे इसका नाम भी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट ओके ओके नेशनस है ओके सो लाइक टेन कंट्रीज आर यार तो बिल्कुल हमारे पड़ोस से ही चालू हो जाता है आसियान मतलब ये इंडिया है यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट है ओके okay, तो म्यांमार ठीक है वियतनाम लाओस कम्बोडिया ब्रूनी सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड फिलीपींस ये दस कंट्री इंडोनेशिया आसियान देशों के अंदर आते हैं एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ठीक है साउथ ईस्ट के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये इन कंट्रीज़ को भाई बटरफ्लाई इकोनॉमीज ही बोला जाता है ओके क्योंकि 1997 में यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक जो है क्राइसिस हो गया था इकोनॉमिक क्राइसिस लेकिन जिस स्पीड से इन कंट्रीज ने रिकवर किया जिस स्पीड से इन कंट्रीज की इकोनॉमीज ने रिकवर किया उससे इनका नाम बढ़ गया बटरफ्लाई इकोनॉमीज ओके सो दे आर द बटरफ्लाई इकोनॉमीज आल्सो ठीक है सो दीज आर द आसियान नेशंस ऑलराइट सो दैट इज द थिंग ओके सो आसियान के जो कंट्री है वो जो 1967 में उनको बनाया गया था बाय द आसियान डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको याद रहे यहां पर बैंकॉक डिक्लेरेशन से गई बिम्स्टेक को भी बनाया गया था ओके बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन बिम्स्टेक जिसपे इंडिया खास यू you नो know, हमारा फोकस है बिम्स्टेक पे सार्क की बजाय जो हमने हमारा फोकस जो है बिम्स्टेक देशों पर कर दिया है तो बिम्स्टेक जो ग्रुपिंग है वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन से कंफ्यूज नहीं हो यहां पर इसलिए बता रहा हूं मैं तो बिम्स्टेक भी बचो आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था और ये आसियान जो है ये भी आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था ठीक है आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको लेकिन बैंकॉक डिक्लेरेशन आ गया तो आप घबरा सकते हो ठीक है तो शुरू में गई जो है आसियान के अंदर दस कंट्रीज़ नहीं थे ओनली इंडोनेशिया वॉज देयर थाईलैंड वॉज देयर अब बैंकॉक में हुआ है तो थाईलैंड तो होगा ही सिंगापुर फिलिपीन मलेशिया सिर्फ यही कंट्रीज स्टार्टिंग में 1967 में साथ में आए एंड धीरे धीरे दिस ग्रुप यू नो ग्रू एंड ग्रो एंड

इफ द आसियन वर अंगल कंट्री इट वुड बी द सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगर कंट्री के तौर तो पर देखा जाए तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की इट इज प्रोजेक्टेड टू रैंक एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050 अगर हम इस दस कंट्रीज को एक, एक कंट्री की तरह देखें जैसे यूरोप के इतने सारे कंट्री इसको हम एक कंट्री की तरह देखते हैं यूरोपियन यूनियन में तो इसको भी अगर एक यूनियन के तौर पर हम देखें तो ये सेवंथ लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की और चौथी बन जाएगी लार्जेस्ट 2050 तक और गई हम इसको क्यों ना देखें एक कंट्री की तरह पूरा एक दस कंट्रीज को एक कंट्री की तरह हम क्यों ना देखें ओके इसके हमारे पास कुछ सॉलिड रीजन है ओके तो आसियान जो ग्रुपिंग है इस वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुपिंग का इसको कई बार जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुपिंग इन द वर्ल्ड ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा कई बार वर्ल्ड बैंक कह चुका है यूनाइटेड नेशन कह चुका है बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो कह चुके हैं ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुपिंग है जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है उसको आसियान से सीखना चाहिए कि कैसे जो है आप यू नो यू कैन फॉर्म ग्रुप एंड एसोसिएशन वट एवर एंड इफ एंड मोर मोर इम्पोर्टेंटली हमारा जो सार्क है ओके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन वो दुनिया में सबसे बैड एग्जांपल है कि नॉन फंक्शनल ग्रुप का ओके okay. तो सार्क को बच्चों यहां पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आसियान से ठीक है बिकॉज़ इट इज द बेस्ट यू कैन से एंड सार्क इज द वर्स्ट ओके सो सार्क हैज मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द आसियान ओके तो अभी क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं ठीक है तो जो 19th इंडिया आसियान का समिट हुआ ठीक है तो इंडिया आसियान पुराने दोस्त है ठीक है So 2022 को जो बाईस एनिवर्सरी के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया आसियान और भारत के बीच में 30th इसका जो है बर्थडे गया एलिवेटेड टाइज फ्रॉम स्ट्रैटेजिक टू क्रॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो आसियान के बच्चों देशों के साथ आसियान की जो ग्रुपिंग है उसको नाम जो है हमने अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है हमने उसको यू उसका जो है डेजिग्नेशन वो चेंज कर दिया एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इन इंडो पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स साथ के साथ बच्चों हमने पांच इंडिया ने पांच मिलियन डॉलर्स का भी पैसे का जो है फंड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करने की बात करी एस एन टी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये फंड जो है इंडिया प्रोवाइड करेगा ठीक है आइटगा so, है, है। so, को भी आगे बढ़ाने की बात करी आइटगा को बेसिकली you know, आइटगा लेकिन है क्या है ये हम जानते हैं ठीक है इट इज आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट मतलब गाइज आसियान और इंडिया के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है ओके okay, दैट उसका नाम है शो दैट स्टैंड फॉर आशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट टू मार्क टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली सिंपल ट्रेड फैसिलिटेज फॉर बिजनेस एज वेल एज सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ठीक है तो आइटगा के बारे में बातचीत हो यहां पर इसी बातचीत के बहाने से हम आप आइटगा आप सीख लीजिए समझ लीजिए आइटगा का मतलब क्या है आइटगा स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स में है याद रखिएगा सर्विसेज में नहीं है हमारे साथ ठीक है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज ओनली इन गुड्स ओके तो गुड्स के अंदर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड आसियान ठीक है तो ये सब इस समिट के अंदर हुआ आसियान के बारे में ही दिया मैप आप आपको दिखाई दिया ओके वन मोर थिंग ओके सो इन दिस स्लाइड विल कवर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स तो जो आसियान का इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा है ठीक है इंडिया के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है हमारी और जो पॉलिसीज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बार जल्दी से हम इनका यू नो जिक्र कर लेते हैं ऑल राइट ठीक है सो तो आसियान इज सेंट्रल टू द इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहां पे फोकस करती है ईस्ट एशिया के अंदर यानी कि आसियान का जो इलाका है इसी के अंदर उसी तरह सागर इनिशियटिव हमारा ठीक है जिसमें हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन की बात करते हैं ओके इंडियन ओशन के अंदर उसके अंदर भी आसियान का बहुत बड़ा रोल है ठीक है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं आसियान के चार देशों के साथ में इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर वियतनाम इस आसियान के चार देश हैं इनसे हमारे हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी है जिसमें आपको पता है वियतनाम के साथ हम काफी कुछ करते भी रहते हैं साउथ चाइना सी के अंदर ओके सो इंडिया आई हाईवे की बात भी कर लेते हैं ट्राइलेटरल हाईवे है इंडिया से म्यांमार से थाईलैंड को जोड़ेगा ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को बच्चों एक यू you नो know, दुनिया से कनेक्ट करने के लिए ओशन से कनेक्ट करने के लिए और मार्केट से कनेक्ट करने के लिए जो कि साउथ ईस्ट में बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए आई बहुत इंपॉर्टेंट है देन वी हैव द कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसके बारे में पता होगा जहाँ पे हम कालादान नदी के रास्ते म्यांमार में होकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी जो है हम म्यांमार और कालादान नदी के मार्फत जो है बे ऑफ बंगाल में आ सकते हैं तो ये भी आसियान का एक तरह से सही लिंक्ड है ठीक है सो so, नॉर्थ ईस्ट के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान से बेहतर रिलेशन रखना ठीक है एनहेंसिंग मिलिट्री कॉपरेशन थ्रू एक्सरसाइज अच्छे कॉरपेट एंड सिम्बिक्स तो सिम्बिक्स एक्सरसाइज जो है हम नेवी हमारी करती है सिंगापुर के साथ में कॉरपेट बच्चों कोऑर्डिनेटेड पैट्रल होता है मतलब साथ में मिलकर गश्त करते हैं यहाँ पर इंडिया की नेवी जो है कई सारे देशों के साथ हमें करते हैं ओके okay. मलेशिया कई सारे कंट्रीज जो है आसियान के उनके साथ हम कॉरपेट एक्सरसाइज करते हैं कॉर्डिनेटेड पैट्रल ठीक है साथ साथ में गई बौद्ध यू नो एंटिटीज आर वर्किंग हेयर टू बाईपास द चौक पॉइंट सच एज मलक्का स्ट्रेट ठीक है मलक्का स्ट्रेट जो है वो आपके ठीक है इंडियन ओशन रीजन जो है ओके तो उसको बाईपास करने के लिए भी वी आर वर्किंग टूगेदर ठीक है इंडिया इज़ वन ऑफ द आसियान स्टॉप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है आसियन हमारा ठीक है सो so, इंडिया के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं जो बिजनेस मैन हैं वो भी आसियान को एक अच्छी जगह समझते हैं व्यापार करने के लिए ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए So that is it. Okay. Next is the Black Sea crane deal. So, any problem till here, please ask me. Okay. Good afternoon, Ethan ठीक है ब्लैक सी ग्रेन ड्रील के बारे में कहीं नहीं पता है तो पता कर लीजिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से आप पूछा जा सकता है ठीक है अब आपको पता है बच्चों रशिया और यूक्रेन में कई समय से लड़ाई चल रही है ठीक है और ये जो इलाका है आपका स्टेप का इलाका है ये जोग्राफी हमें पढ़ा होगा स्टेप के एरियाज हैं दीज आर वन ऑफ द यू नो फाइनेस्ट एरियाज एंड मोस्ट यू नोटेंट ओके मोस्ट वाइटल एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर ग्रेन कल्टिवेशन पर्टिकुलरली वीट या और भी कई तरह के क्रॉप्स यहाँ पे उगती है तो वर्ल्ड का बच्चों एक अच्छा खासा लगभग तीस परसेंट जहाँ तक मुझे याद है तीस परसेंट जो गेहूं आता है वो इस इलाके से आता है रशिया और यूक्रेन के यहाँ से ठीक है लेकिन आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो उसकी वजह से जो है काफ़ी एक्सपोर्ट्स यहाँ से नहीं हो पा रहा है ओके गेहूँ वेहूँ जो भी यहाँ पे उगता है ठीक है जिसकी वजह से वर्ल्ड में और पर्टिकुलरली जो You know, यहाँ के आस पास के इलाके वहाँ पर जो है ग्रेन का जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज हो गया है क्योंकि यहाँ से सामान जो है आ नहीं पा रहा है तो बच्चों ये ब्लैक सी ग्रेन डील ये जो है ये सिक्योर करी है आपके ओके यूनाइटेड नेशन टर्की ने ओके यू एन और टर्की ने इस नेशन को जो इस डील को जो है संभव बनाया है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन तो रशिया ने बच्चों रिज्यूम कर लिया है पार्टिसिपेशन इन द ब्लैक सी ग्रेन डील यानी कि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक सी से अगर यूक्रेन अपना अनाज जो है बेचता है बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है सो हरी झंडी दे दी है किसने करवाया इस डील को यूनाइटेड नेशन ने और टर्की ने मिलकर करवाया है ठीक है सो इट द डील एंडेवल्स टू टैकल एस्केलेटिंग फूड प्राइजेस ओके एनिमेटरिंग फ्रॉम सप्लाई चेन डिस्टरप्शन ड्यू टू इफेक्टिव ब्लॉकेज ऑफ द ब्लैक सी ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया गया था आपको पता है लड़ाई के दौरान ठीक है उसको जो है सेफ पैसेज दिया है कि इस तरह की जो ships जो के जो शिप्स हैं जो अनाज को लेके जा रहे हैं उन पर कोई भी अटैक नहीं करेगा सो so, इसमें सेफ्टी गारंटी ली गई है जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हैं ओके यूक्रेन एक्सपोर्ट अगर करता है कुछ खाने पीने का सामान तो उसको कोई भी शिप उस पर अटैक नहीं करेगा ओके चोरनोमोस ओके ओडेसा ये सब पोर्ट्स हैं इनसे जो है यूक्रेन अपना जो है एक्सपोर्ट कर सकता है फूड ग्रेन्स ओके यूक्रेन इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द वीट मेज सनफ्लावर सनफ्लावर ऑयल ओके ठीक है सो सेंट्रल आइडिया बचो उस है दुनिया में जो एस्केलेट हो रहे हैं प्राइजेस के उन पर लिमिट लगाई जा सके कंट्रोल में लाया जा सके उनको महंगाई जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके ठीक है तो यहां पर अपने पास छोटा सा ये पार्ट है छोटा सा ये ये, ये ब्लैक सी है यहाँ पर ठीक तो है तो बेसिकली पोर्ट है यूक्रेन में जैसे सामान यहां से निकलेगा ठीक है देन साउथ वेटिंग एरिया है ये यह, यहाँ से सामान जो है नॉर्थ इंस्पेक्शन एरिया में आएगा और फिर फाइनली स्ट्रेट ऑफ बॉस और डेंडली स्ट्रेट के थ्रू जो है ये सामान जो है मेडिटेरियन सी में चला जाएगा सी ऑफ मरमरा ये सारी लोकेशंस यही आप याद कर लीजिएगा इस इलाके की यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है मेरे हिसाब से वो पूछी जा सकती है एग्जाम में सी ऑफ मरमरा है पर सी एगेंसी है मेनी स्ट्रेट्स आर देयर ओके सो ये सब आप कर लीजिएगा तो ये है आपके ब्लैक सी डील समझ गए आप ओके एनी प्रॉब्लम हेयर प्लीज आस्क मी ठीक है एफ एस ए डी सी के बारे में बात करते हैं लास्ट में एक बार ठीक है शायद आपने नाम नहीं सुना होगा कोई बड़ी बात नहीं है फटाफट -पड़ बता देता हूँ आपको ठीक है क्योंकि गाइस इंडिया की ने अभी इस ग्रुपिंग के साथ मीटिंग करी है हमारी जो ओके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ओके सी आई आई जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हमारे जो बैंक है उन्होंने एस ए डी सी से, से के साथ जो है अभी मीटिंग करी है तो क्या है ये एस ए डी सी ठीक है तो दिस इज साउथ सदर्न अफ्रीकन साउथ अफ्रीका नहीं गई याद रखना साउथ अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका इज जस्ट अ कंट्री एयर वेरी स्मॉल ओके नॉट स्मॉल बट इट्स अ कंट्री एयर सो इट इज साउथ अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं इसमें कॉन्गो से लेके आपके साउथ अफ्रीका तक इसमें कई कंट्रीज है कॉमरो जाम्बिया जिम्बावे बोस्तवाना लिसोतो ओके okay, ये सारे कंट्रीज हैं ये सब कंट्री मिलाकर जो है ग्रुप एन का सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी एस ए डी सी सोलह देश हैं इसके अंदर नाइनटीन एटीज में सिरका सिटी के अंदर इसको बनाया गया था ठीक है इस गोल है एस ए डी सी का फॉर फर्दर सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन एज वेल पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन द मेम्बर्स ओके सो दीज दिस इज द एस ए डी सी अब जो कॉन्टेक्स था न्यूज में था ये एरिया के हमने जो है इसके बाद मीटिंग करी वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये बात बताना चाहिए एस ए डी सी क्या है ये ठीक है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी क्या है ठीक है इंडिया का मेंबर है या नहीं है तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें जो है साउथ अफ्रीका के जो सदर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वही इसके मेंबर्स है सोलह देश इसके मेंबर्स है दे यू नो एम फॉर सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन ओके सो दिस इज दिसट सो इंडिया ने बच्चों काफी कुछ किया है इस इलाके में सो so, इंडिया ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इकोनॉमिक कॉपोरेशन का नाइनटीन में एस कंट्रीज के लिए ठीक है सो so, इंडिया का जो टोटल ट्रेड है बच्चों एस के साथ वो थर्टी बिलियन का है ठीक है 2021 ओके okay. के अंदर लॉट ऑफ यू नो ट्रेड वी आर डूइंग मतलब तो क्या हम बेसिकली इम्पोर्ट्स करते हैं ट्रेड डेफिसिट है? है? है इंडिया का इस रीजन के साथ लगभग पांच बिलियन डॉलर का ठीक है साउथ अफ्रीका यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है फोर्टी सेवन परसेंट जो है एक्सपोर्ट्स हमारे साउथ अफ्रीका के साथ होते हैं अबाउट एस ए डी सी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रब्लम्स एग्जामिनेशन आई डोंट थिंक मेंस में आप इसको यूपीएससी जो है पूछेगी इसको आप से थोड़ा बहुत याद रहे क्योंकि अभी हमने मीटिंग करी है हमारे बैंक्स ने और सी आई ने इसके साथ में ठीक है था। तो तो ग्रुपिंग एक तरह से मतलब साउथ अफ्रीकन सदर्न अफ्रीकन नेशंस की ठीक है सिक्सटीन कंट्रीज हैं इसके अंदर नाइनटीन के अंदर इसको बनाया गया था ओके ठीक है ओके सो भाई इस कुछ और आपको बातें बता देता हूँ मैं जो इंडिया और अफ्रीका के बीच में चल रही है जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन है आई .E प्रोग्राम ये सिर्फ सदर्न अफ्रीका से रिलेटेड नहीं है ये पूरे अफ्रीका में इंडिया एक प्रोग्राम चलाता है इसके तहत इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक मदद जो है अफ्रीका के जितने भी देश हैं लगभग वहाँ पे कोशिश करता है पहुँचा बहुत ही पुराना बच्चों एक इनिशिएटिव है आई ये जब आप इंडिया अफ्रीका के कंट्री रिलेशन पढ़ेंगे तब भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे बट फिलहाल आप इसको याद रखिए इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम फॉर पैन अफ्रीका के लिए ठीक है सागर इनिशिएटिव से हम इंडियन ओशन के जितने भी कंट्रीज है उनको है जो डायरेक्टली वी आर यू नो एडिंग इन देयर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ देन देयर इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो कि इंडिया और जापान मिलकर जो है जिसमें एशिया और अफ्रीका के रिलेशन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ठीक है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग इज देयर ओके 2022 के अंदर वॉज इट हैपेंड इन द डिफेंस एक्सपो ठीक है फॉर बेटरमेंट ऑफ द डिफेंस रिलेशन ओके एक्जिम बैंक के इनिशियटिवज हैं और बच्चों अभी जो मीटिंग हुई है आपके ठीक है वो ये जो मीटिंग हुई थी एस ए डी सी के ये एग्जिम बैंक के ही ने इस मीटिंग को करवाया था ठीक है ह्यूमैनिटेरियन एड बाकी अफ्रीका को बहुत इंडिया दे रहा है खाना पीना ओके वैक्सीन कोविड में जो है मदद हमने पहुंचाई ठीक है सो टेन गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट विच वर डेलीनेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर इन टू थाउजेंड एटीन ओके सो दीज आर सम अदर इनिशिएटिव वी आर डूइंग इन द अफ्रीका ओके लास्ट टॉपिक है आज का यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है तो चो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अभी जब जी का अभी जब फॉरन मिनिस्टर्स का समिट हुआ था तो उस पर हम कुछ अच्छी कुछ डील तो करैक नहीं कर पाए यू यूक्रेन और रशिया को जो मेन इशू था बट एक चीज़ जो तो बार बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कही जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कही उस एड्रेस करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फॉरेन मिनिस्टर्स को जी के उसमें गई थी कहा कि ग्लोबल साउथ की बहुत बात करी गई ओके, ग्लोबल साउथ जो है ओके okay. या जो सदर्न वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करी शो भाई उसी के कॉन्टेक्स में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ठीक है अब तो यहां पर तो आपके लिए गायब हो गया सब कुछ कोई नहीं आपके लिए वापस ले आएंगे तो ये आपका अफ्रीका है ये आपका वो है ये आपका ओके ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया तो समझ गए आप तो वो जो ये है आपका ग्लोबल साउथ ठीक है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ओके अफ्रीका आता है इसमें साउथ एशिया आता है साउथ ईस्ट एशिया आता है 32 टू परसेंट थर्टी ट्वेंटी परसेंट अफ्रीका का वेटेज है 42 परसेंट में लैटिन अमेरिका कैरेबियंस यानी कि साउथ अमेरिका और ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं ये आते हैं इसमें ठीक है तो कही आपको पता है इंडिया बहुत समय से अभी की बात नहीं बहुत समय से इंडिया यूएन के साथ में इन कंट्रीज के लिए क्योंकि अब बात और हाईलाइट हुई है इन यू नो इन द जी ट्वेंटी इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड रिसेंटली इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड सेलिब्रेटेड फाइव ईयर्स पांच साल हो गए इसको साउथ साउथ कोलैबोरेशन को बनाए हुए जिसमें क्या कर रहा है इंडिया बचो यू एन के साथ मिलकर इन साउथ सदर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज है इनमें जो है मदद पहुंचाने की बात कर रहा है इट इज डेडिकेटेड फैसिलिटी एस्टेबलिड 2017 में इसको established किया गया था यू के अंडर ओके सो इंडियन गवर्नमेंट ने जो, जो, जो अब तक जो है इसमें डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का जो है मदद अब तक प्रदान कर चुका है दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया यू एन फंड एंड ऑल्सो द फंड फॉर साउथ साउथ कोलोपरेशन ठीक है इट इज मैनेज बाय दू एन ओ एस एस सी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोपरेशन ये मैनेज करता है इस फंड को और इसमें इंडिया और यूनाइटेड नेशन बचो मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया कैसे एक वो सुपर पावर या एक लीडिंग पावर या एक रीजनल पावर या एक लीडर आप कह सकते हो डेवलपिंग वर्ल्ड का सदन वर्ल्ड का उसका लीडर के तौर पर वो जो काम करने रही थी वो इंडिया कैसे कर रहा है बाय सच इनिशिएटिव्स ठीक है इट सपोर्ट सदन ओन्ड एंड लेड डिमांड ड्रिवन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड ठीक है सो so, ऐसे जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक है वो तो बहुत पुराना है ये आपको कई जगह यूज़ कर सकते हो ठीक है सो so, कुछ हर्डल्स क्या क्या हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन में द इज लैक ऑफ डेफिनेशन विच डिफाइन दिस एरिया डेवलप कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज का दबदबा है यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है काम करने का साथ में इस तरह के माहौल में कम है हमारे पास ओके मल्टीलैटरल सपोर्ट यहाँ पर कम है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा सस्पिशियस और राइवलरी बहुत ज़्यादा है ओके okay, शक है एक दूसरे पे सब क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में शक करते हैं कि हमारे से आगे ना निकल जाए राइवलरी दुश्मनियाँ भी बहुत है ठीक है नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट है मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ सब देखते हैं कि हमको वैसा बनना है अपनी वैल्यूज़ को जो है हम भूल रहे हैं या इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक है सो दैट इज इट ओके सो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम जो है फुल स्टॉप लगाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट अकेडमी का आप दे सकते हो देना भी चाहिए तेईस अप्रैल को ये टेस्ट है ओके okay, इसमें गई आप जो है स्कॉलरशिप दे सकते हो जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो नाइन्टी परसेंट डिस्काउंट तक मिल सकता है आपको लेकिन ये सिर्फ टॉप थ्री रैंकर्स को मिलेगा ओके फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी फोर्थ से लेके टेंथ रैंकर्स को ओके okay, सो so आप मेरा कोड लगाकर सेड यू इस टेस्ट को दे सकते हो एकदम फ्री टेस्ट है ये अगर आप इसमें अच्छी रैंक लेके आते हो तो अकेडमी आपको अपना जो प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही किफायती दाम में दे पाएगा ठीक है तेईस अप्रैल ग्यारह बजे टेस्ट होगा एनरोल आप कर सकते हो नीचे ही लिंक है वीडियो के वहाँ से आप भी आप एनरोल कर सकते हो आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन से भी आप जुड़ सकते हो तमाम कारण है सब्सक्रिप्शन लेने के बैचेस आपके चालू हो रहे हैं समय समय पे ट्वेंटी अप्रैल से भी एक बैच चालू हो रहा है यानी कि परसों से आप उसमें भी पढ़ सकते हो ठीक है ऑफलाइन में गई नाउ वी हैव स्टार्टेड आफ्टर सीइंग फिनल रिस्पांस इन द जीएस बैचेस तो अन अकेडमी ने जो है ऑप्शनल की भी क्लासेस चालू कर दी है डेली के अंदर ही है बट ये चार ऑप्शनल में ओके एंथ्रोपोलॉजी जोग्राफी लॉ एंड मैथेमेटिक्स ओके सो इफ यू आर इन डेली यू आर मोस्ट वेलकम तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो आप मेरा कोड लगाकर कर यहाँ पर भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो मेरे कोड के साथ बचो डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा आपको और भी चीज़ें मिलती है जैसे कि ओके अशॉर्ट टेलीफोनिक मिनटरिंग गाइडेंस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ भी और उसके बाद भी आपको

डेढ़ साल या दो साल का आप ले सकते हो उसमें जीएस और ऑप्शनल आप दोनों ही पढ़ सकते हो ठीक है इज़ so टेलीग्राम पे आप जुड़े गए होंगे तीन बजे दोबारा मिलते हैं थैंक यू एवरीबडी थैंक यू जय हिंद थैंक यू ठीक है तो अब चलते हैं इजाजत लेते हैं आपसे सी यू गुड बाय